rock with you, dance you in today. Assalamu alaikum, it's me Faisal Saeed and you're watching Rock with Ride. Motorcycle touring के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ जो आपको आनी चाहिए, एक तो ड्राइव चेन का जो स्लैक है उसको एडजस्ट करना, और दूसरा आपको इसकी सफाई करना भी, इसको मेंटेन करने का भी पता होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डस्टी इलाके में या कीचड़ वाले इलाकों में, बारिशी इलाके में आप चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल के जो ये आपका ड्राइव चेन है, जो कि फाइनल ड्राइव है, जो फाइनल ड्राइव का सोर्स है वो ड्राइव चेन है, और ये इसके बगैर आपकी बाइक जो है वो मूव नहीं करेगी। तो इसकी जो हिफाजत है, इसकी जो एहतियात है वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर आप जो इसका स्लैक है, जो इसका ढीलापन है, ठीक है, ड्राइव चेन का जो ढीलापन है जिसको ड्राइव चेन स्लैक भी कहते हैं, ये आपको हर 500 से 600 किलोमीटर के बाद चेक करना चाहिए। और इसकी जो सफाई है वो भी ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा बारिशों वाले या इस तरह के कीचड़ वाले इलाकों में चलाते हैं तो फिर इसकी सफाई ज़रा जल्दी आपको करनी पड़ेगी, या आप धोने के बाद इसकी सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये ज़रूरी है। इससे क्या होगा, ये नहीं होगा कि आपकी अगर ड्राइव चेन की लाइफ 20,000 है तो वो 40 चल जाएगी या 30 चल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर 20,000 किलोमीटर की इसकी लाइफ है तो ये एटलीस्ट 20,000 किलोमीटर निकालेगी। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, टाइम से पहले आपको रिप्लेस करनी पड़ जाएगी। अगर 20,000 इसकी लाइफ है तो आप 10 से 12,000 किलोमीटर पे आपको तब्दील करनी पड़ेगी। फिर आप इसकी क्वालिटी पे क्लेम करते हैं जो कि सरासर गलत है। इसकी एहतियात, इसको प्रॉपर देखभाल भी ज़रूरी है। अब हाफ़ चेन कवर का ये फ़ायदा है कि मुझे टाइम टू टाइम जो है वो ईज़ी होता है कि मैं इसको आराम से इसको साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ किस तरह से करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ और मुझे चेन कवर खोलने में वो कोई दिक्कत होती है, बंदा थोड़ा सा सुस्ती में आ जाता है कि यार क्या खोलूँगा करूँगा, तो ये आपके सामने ही होता है, आप इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं। हाफ़ चेन कवर टूरिंग के लिए मुझे अच्छी लगती है कि खुदा ना खास्ता चेन टूट भी जाती है तो आपके गिरने का अंदेशा नहीं होता। गंदी होती है चेन, इसके अंदर डस्ट लगती है, लेकिन यह कि आप चेन कवर के अंदर उसको इतनी जल्दी साफ़ नहीं करेंगे जितना आप चेन के बाहर इसको साफ़ कर सकते हैं, तो मैं इसलिए इसको पसंद करता हूँ। अब ड्राइव चेन का जो ढीलापन है, जो इसका स्लैक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा इसको साफ़ करना है। अब ये मैंने जो है इसको अब साफ़ करूँगा, काफ़ी गंदी हो चुकी है, और इसका जो स्लैक भी वो भी एडजस्ट करूँगा, इसका ढीलापन भी एडजस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं साफ़ करूँगा, देखें इसको साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि रस्ट जो है, ये इस तरह की चीज़ें जो है, रस्ट हो गया, ये आपकी बाइक के लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह है, आपकी बाइक के चेन के लिए, आपकी बाइक के चेन के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए जो है आपको जो है पेट्रोल से हरगिज़ साफ़ नहीं करना, ठीक है, या तो चेन क्लीनर होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, या केरोसिन ऑयल सबसे बेहतरीन है। केरोसिन ऑयल जो है मिट्टी के तेल के साथ आप इसको साफ़ करें, मिट्टी का तेल बेहतरीन चीज़ है इसको साफ़ करने के लिए। पेट्रोल के साथ नहीं करना, आपने रस्ट और स्टिफनेस जो है चेन की दुश्मन है, तो इसको साफ़ करने के लिए पेट्रोल का ना इस्तेमाल करें, और इस तरह के दूसरे जो आपके आपको लिक्विड्स हैं उनको आप इस्तेमाल ना करें, गैसोलीन हो गया, थिनर हो गया, इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें आप। वो मिट्टी का तेल मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है, ये इसके अंदर केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, मैं इसकी मदद से इसको साफ़ करूँगा। और इसके लिए एक मेरे पास डेडिकेटेड टूल था, जो ब्रश था, आप इसको ब्रश के साथ, कपड़े के साथ भी साफ़ करें, साथ ब्रश का भी इस्तेमाल करें, टूथब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एक डेडिकेटेड टूल था मेरे पास जिसके तीनों तरफ इस तरह बना था, उसके जो था इस तरफ भी अपना ब्रश था, इस तरफ भी ब्रश था, इस तरफ भी ब्रश था, तो वो एक ही टाइम में इसको तीनों तरफ से साफ़ कर देता था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। लेकिन वो इस वक्त मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मैं उसी के साथ साफ़ करता हूँ इसको, तो इस वक्त लिहाजा मैं ये ब्रश इस्तेमाल करूँगा, ये भी चलेगा। तो साफ़ करने के लिए आगे से मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, देखें आगे भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, अगली स्प्रॉकेट भी साफ़ हो जाएगी, पिछली भी। इसके लिए ये जो ऊपर वाला है, मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाला चेन कवर, जो हाफ़ चेन कवर, जो ऊपर वाला हाफ़ चेन कवर है, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो फिर इसको मैं साफ़ करता हूँ, ठीक है। वो ये आप देख लें अभी ये किस तरह है। साफ़ करने के लिए कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर चेन कवर लगाया तो वो रिमूव करें आप, और अगर नहीं लगाया तो वेल एंड गुड, आपका टाइम बचेगा।
साफ़ करने के लिए ये चीज़ें हैं और एक कपड़ा ले लीजिए साथ, कोई भी पुराना कपड़ा लीजिए, ये तीन चीज़ें, और उसके साथ आप इसको साफ़ कीजिए, ब्रश मारिए, ठीक है, आपने मिट्टी का तेल मारना है, फिर कपड़ा मारना है, इसको साफ़ कर देना है। वैसे तो ए प्रॉपर, अगर आपको एक और इसका तरीका बताऊँ जो प्रॉपर तरीका है, ड्राइव चेन को खोल के, ठीक है, एक सॉल्वेंट लिक्विड होता है उसके अंदर भिगो देते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बेहतर है। चेन के लिए ही एक लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर वो डाल देते हैं, भिगो देते हैं, तो वो भी तरीका बहुत बेहतर है, अगर आप चेन को खोलें और उसके अंदर भिगो दें और वापस इसको लगा दें, क्योंकि चेन जो है ये फाइनल ड्राइव आपकी, और इसकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, इसी के दम के ऊपर आपकी बाइक जो है वो सड़क पर दौड़ती है, यही आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इसकी वजह से ही आपकी बाइक हरकत करती है। तो अब इसको मैं साफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इसके बाद इसकी जो है एडजस्टमेंट भी करूँगा, उसका तरीका भी आपको बताऊँगा कि इसका जो स्लैक है वो किस तरह एडजस्ट करते हैं, इसका जो ढीलापन है। अच्छा, तो ये मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है, इसके लिए पिछला जो एडिशनल मड गार्ड था वो भी मैंने रिमूव कर लिया, ठीक है, और ये रिमूव हो चुका है। अब मैं जो है ऊपर से भी इसका चेन कवर रिमूव कर दिया मैंने, अब मैं इसकी सफाई करूँगा, ठीक है। और एक और चीज़, नीचे आप कुछ इस तरह का बिछा लीजिएगा, कोई प्लास्टिक वगैरह, नहीं तो अम्मी मारेंगी, अब्बू डांटेंगे, ठीक है, गंद मचेगा यार, वैसे तो अच्छा नहीं लगता, तो क्योंकि मेरी कोई ये फिलहाल वर्कशॉप नहीं है, मैंने बाइक जो अंदर ही टीवी लॉन्च में ले आता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ, तो इसलिए बेहतर है कि अगर कोई ऐसी जगह हो आपके पास तो वहाँ पे भी सफ़ाई का ख्याल ज़रूर कीजिए, क्योंकि सफ़ाई पहले है, इस तरह काम करने का मज़ा नहीं आता, और टूल्स के लिए, टोल के लिए वो ट्रे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ओह चले, साफ़ करते हैं इसको। अच्छा, तो ये साफ़ हो चुकी है, ठीक है, तो पहले से काफ़ी बेहतर है, ठीक है, तो देख सकते हैं कि काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ा है, तो ज़ाहिर है इस तरह देखने में भी अच्छी लगती है, और डेफिनेटली इसकी जो लाइफ है ये अपनी लाइफ पूरी करेगी। वो तो ये साफ़ हो चुकी है, ठीक है, इसके अंदर एहतियात कीजिएगा कि इस प्रॉकेट के अंदर आपने अगर ग्लव पहने हैं ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, तो ये स्प्रॉकेट के साथ लगकर, जहर है ये नोकीली होती हैं, तो ये सफाई के दौरान घुमाते हो इसके अंदर, उसके साथ लग के फट सकती हैं, तो जाहिर है स्प्रॉकेट में उंगली करेंगे तो फिर ऐसे तो होगा, फिर नुकसान तो होगा भाई। तो ये है कि कोशिश करें कि ये बचे रहें, अगर फट भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मसला है, ज़्यादा आपके हाथ गंदे होंगे, तो मैंने कहा बता दूँ ये भी कि हो सकता है। तो इसके बाद अब इसकी जो ड्राइव चेन की जो एडजस्टमेंट है, जो इसकी ढील है, जो इसका स्लैक है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको आपने सेंटर से लेना है, ठीक है, सेंटर से लेना है, यहाँ से नहीं सेंटर से, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि किसी भी बाइक के चेन कवर में अगर होल भी दिया होता है तो वो जिधर करके दिया होता है ना, सेंटर में करके दिया होता है ऑलमोस्ट, तो उधर से ही लेना है, वो भी इधर ही करके दिया होता है कहीं, ठीक है ना। तो ये होनी चाहिए 20 से 30 मिलीमीटर्स, यानी कि आप कह लें कि एक सवा इंच से कम बनता है, एक इंच और एक सूतर आप कर लें से पौना इंच से एक सवा इंच, या एक इंच से ऊपर आप कर लें एक सूतर, ठीक है, तो सवा इंच से नीचे ही होना चाहिए और पौना इंच से सवा इंच के बीच हो तो बेहतर है। अब मैं इसको देखूँगा ये कितना है, ठीक है, ये ठीक है, ये इसका स्लैक जो है ये लोअर नीचे से, अब ये ऊपर तक देखेंगे कहाँ तक जाता है, तो ये देखें ये ऑलमोस्ट 2 इंच तक जा रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा देखें, ये सेंटर कर लेते हैं यहाँ पे करके, ठीक है, तो बग़ैर इसको छेड़े आपने नीचे रख लेना है बॉटम में, और ये जो इसका टॉप तक, जहाँ तक इसका स्लैक है टोटल टॉप तक इसकी ढील देखनी है, तो ये देखें आप देख सकते हैं ये ढील
अगर आप को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो यू कैन इजीली सी, ये देखें आपने बगैर इसको छेड़े बॉटम से टॉप तक, जो टॉप तक आपका स्लैक है उसको देखना कितनी इसकी जो है ढील है नीचे से, बगैर इसको छोड़े जो इसकी नेचुरली है, जो यानी कि जहाँ तक ये बगैर छेड़े है साकिन हालत में आप कह लें इसको, और ये देखें तो ये ज़्यादा है, इसको होना चाहिए तकरीबन इतना, इतना होना चाहिए इतना या फिर इतना बस, ठीक है, इसको होना चाहिए इतना या फिर इतना, पौना इंच तक ठीक हो गया, पौना इंच कर लें आप या फिर इसको इधर तक कर लें बस, तो ये इतनी एडिशनल है आप समझे, तो ये लूज़ है। तो इसको टाइट करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि चैन के ढीलेपन की वजह से इंजन जो है आपका ओवरलोड होता है, बाइक के दूसरे भी अहम पुर्जे जो हैं ओवरलोड होते हैं, इंजन ओवरलोड होता है, इसे नुकसान पहुंच सकता है आपकी बाइक को, तो इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी हैं, एक्सल नट ढीला करना है, ठीक है, ये नीचे करके ब्रेक का टॉर्क रॉड होता है यार, थोड़ा सा एंगल ख़राब करके दिखाऊंगा आपको, ये ब्रेक का टॉर्क रॉड हो गया ए, ये वाला ब्रेक का टॉर्क रॉड, ठीक है, ब्रेक टॉर्क रॉड हो गया, एक्सल नट हो गया, और ब्रेक का जो है जो भाई फोकस हो जा, फ्री प्ले एडजस्टिंग नट, इन तीनों को आपने लूज़ कर लेना है। उसके बाद स्विंग आर्म के दोनों तरफ आपको जो है इस इधर आके आपको बताता हूँ, ठीक है, ये स्विंग आर्म है, इसके दोनों तरफ आपको ये ड्राइव चेन पुलर मिलेगा, इसका लॉक नट मिलेगा, और ये इसका एडजस्टिंग बोल्ट मिलेगा, इसको आपने लूज़ कर लेना लॉक नट को। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये स्विंग आर्म पे ये आप निशान देख रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको इससे बता देता हूँ, स्विंग आर्म के ऊपर ये आप निशान देख रहे हैं, और इसके ऊपर एक कट होगा यहाँ पे करके, ठीक है, इसके ऊपर एक कट होगा, ये ऊपर यहाँ पे एक कट है। आपने अब इसको सबसे पहले जब आपने वहाँ से एक्सल नट हो गया, ब्रेक टॉर्क रड और ब्रेक का फ्री प्ले एडजस्टिंग नट को जब आपने लूज़ कर लेना है, उसके बाद इसको लूज़ करना है लॉक नट को दोनों तरफ से, उस तरफ से भी, ठीक है, ये दोनों तरफ से, उस तरफ भी और इस तरफ, ये दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आपने दोनों तरफ से करना है, ठीक है ना, ये वाला भी लॉक नट और यहाँ से भी ये लॉक नट आपने लूज़ कर देना है। ये लूज़ करेंगे तो उसके बाद व्हील को आपने पीछे से पुश करके आगे धकेलना है, ठीक है, पीछे से पुश करके। तो मैं अब ये लूज़ करके उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। करना क्या होता है कि आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा, दोनों तरफ से आपने ख्याल करना है कि ये स्विंग आर्म पे जो निशान है ना ये इक्वल होने चाहिए। जैसे सपोज़ 1, 2, 3, 4 है, अब दोबारा टाइट करेंगे तो ये 4.25 या 4.5 पे आ जाएगा, इसके बीच पे आ जाएगा या 5 पे आ जाएगा, तो उस साइड पे भी ये आपने गिनना है कि 4.25, 4.5 या 5 के ऊपर ही हो ये कट। और उसके बाद इसकी जो है चैन को घुमा के देखना कि प्रॉपर इसकी जो जो चाल है वो बेहतर है, चाल ठीक है, कहीं पर ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा, इसकी झूल यकसा ही है हर तरफ, और झूल मैंने आपको बता दिया कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, 20 से 30 मिलीमीटर्स आपको बता दिया, 1 इंच, 1/4 इंच, 1/4 इंच से थोड़ा कम ही होगा, 1 इंच से ऊपर एक सूत्र कर लें या 1.5 इंच आप कर लें, ठीक है, इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी कर सकते हैं, तो ये आपने चेक कर लेनी है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं आपने करना, ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट भी करेंगे तो आपकी जो ये लिंक है ये अंदर से ख़राब होंगे, आवाज़ करेंगे, ठीक है, तो मैं अब ये लूज़ करता हूँ और आपको टाइट करके बताता हूँ। ये मैंने सारे नट बोल्ट लूज़ कर लिए, ठीक है, और व्हील को थोड़ा सा आगे को पुश भी कर लिया पीछे से। और अब ये जो ड्राइव चेन पुलर है इसमें आपने जब लॉक नट को खोलना है तो आपने पीछे से इसको होल्ड करना है, ठीक है, अपने ये 12 नंबर का स्पैनर है, ठीक है, तो आपने इसके साथ इसको पकड़ना है, सॉरी ये अंदर वाला 12 नंबर का है, बाहर वाला 10 नंबर का है,
तो इसको यूँ पकड़ के इसको आपने हिलने नहीं देना और इसको आपने लूज़ करना है। ये आपकी पहले की एडजस्ट जहाँ पे हुई है ये वहाँ पे लॉक है, इस नट ने इसको वहाँ पे लॉक रखा था ताकि ये एडजस्ट हिले ना। तो अब ये कि जब आप इसको लूज़ करेंगे तो कोशिश करें ये भी साथ ना घूमे, ठीक है। अगर ये साथ घूमेगा तो ये लूज़ हो जाएगा और आपको फिर ज़रा एडजस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो नहीं घूमेगा या वो ज़्यादा घूम जाएगा ये कम घूम जाएगा, तो फिर इन दोनों को एडजस्ट करने में आपको ज़रा टाइम लग जाएगा। मसला कोई नहीं, अगर ये घूम भी जाए तो आपने तो इसकी ये प्ले एडजस्ट करनी है, वो आपको ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह ही होगा कि ये नहीं घूमेगा तो पुरानी जगह से और जितनी इसको एडजस्ट चाहिए तो आराम से आप इसकी आधी चाबी या जितनी घुमाएंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ ज़्यादा होगा तो आपको फिर एक से दो दफ़ा तीन दफ़ा इधर से करना पड़ेगा इधर से करना पड़ेगा, तो हो तो उस तरह भी जाएगा, लेकिन बेहतर है इसको आप पकड़ी रखें और उसके बाद आप देखें आपका चेन जितना लूज़ है आप इसको कसें, जितना यहाँ से कसेंगे यहाँ से आप देख लें। जैसा कि आप इस पे देख रहे हैं कि ये देखें अगर आपको ये कट नज़र आ रहा हो ये कट, तो अब मैं देखें इसको कसूँगा तो ये थोड़ा आगे आ रहा है, ठीक है, ये टाइट हो रहा है चेन, ठीक है। और चेन जो है वो भी आपको ऊपर उठती महसूस होगी, ये चार पे है तो ये देखें चैन भी थोड़ी आपने महसूस किया कि ऊपर आई है मेरा। अब इसको इतना किया, इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैं इतना ही कसूंगा इसको और वहाँ से व्हील को थोड़ा सा आपने साथ मार के रखना लूज ना हो, ठीक है। उधर से भी मैंने कस लिया इसको, ठीक है। अब इनको मैं चेक करूँगा जहाँ पे मुझे फ़ाइनल इसकी जो है मिल जाएगी, अपना फाइनल स्लैग मिल जाएगा इसका, फाइनल स्लैग इसकी जो अपनी ढील है वहाँ पर जो है मैं इसको अपना लॉक कर दूँगा। सबसे पहले इसको जो ड्राइव चेन पुलर है इसको मैं इसके नट को टाइट करूँगा, ठीक है, इसको पीछे से पकड़ के रखूँगा, ठीक है, होल्ड करूँगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको टाइट करूँगा, फिर उसके बाद दोनों को टाइट करके फिर अपना टॉर्क रॉड वगैरह और जो मैंने अपना ब्रेक फ्री प्ले एडजस्टिंग नट था उसको एक्सल नट को टाइट कर दूँगा और डैट्स अबाउट इट, ये आपका चेन जो है वो टाइट हो जाएगा। तो अब मैं ये करके बताता हूँ आपको। आपने जब इसको टाइट करना है तो साथ साथ आपने चेन को घुमाकर भी देखना है, ठीक है, इसकी प्ले आपने उंगली के साथ महसूस करनी है, ठीक है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक इंच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप जब करेंगे एक से दो दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं है, तो ये इस तरह आपको पता लग जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो साथ साथ आपने इसको चेक भी करना ही हो। इसको एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, ठीक है, पीछे से इसको पकड़ के रखना है आपने और ये देखें ये लॉक नट ड्राइव चेन पुलर का लॉक नट एडजस्टर से आपने एडजस्ट कर लिया, एडजस्टर के ऊपर आपने उसको दूसरे स्पैनर से पकड़ के और ये आपने इसको टाइट कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी जोर नहीं लगाना, इससे चूड़ी स्लिप होने का अंदेशा। इसी तरह दूसरी साइड पे पुलर को मैं टाइट करूँगा और फिर अपना एक्सल नट को टाइट करूँगा, ब्रेक का जो फ्री प्ले एडजस्टिंग नट है, और दूसरी तरफ से ब्रेक टॉर्क रॉड को मैं टाइट करूँगा। उसके बाद इसकी लुब्रिकेशन करूँगा, लुब्रिकेशन के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको टाइट कर लूँ। नहीं जी, फाइनली मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ये अब एडजस्ट हो गया और यार ये गलती मुझसे हो गई है, मैंने पहले चेन कवर लगाना था फिर इसको लगाना था, ये मैंने पहले लगा लिया, खैर इसको मैं चेंज कर लूँगा। अच्छा तो ये देखें टाइट हो चुका है और अब ये देखें ये ड्राइव चेन आप देखें इसके अंदर, आप इसकी झूल और इसका स्लैक देख सकते हैं, इसका जो इसमें झूल जो है वो आप देखें, ठीक है। और अब मैं इसका जो स्लैक है वो चेक करता हूँ, तो ये देखें ये ठीक है, ये पूरा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ये देखें ये एक इंच, ठीक है, एक इंच वही ऊपर एक सूत्र सवा इंच तक हो सकता है, तो ये देखें इतना है। पहले ये दो तक जा रहा था, दो इंच तक जा रहा था, जो कि अब किसी सूरत नहीं जाएगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा दबा के भी देख रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा दो तक, ठीक है। ये देखें ये थोड़ा ऊपर हो गया यार, ये पकड़ के ज़रा मैं रख रहा हूँ, ये देखें
ठीक है, ये अब नहीं जाता इधर से ऊपर, ठीक है। पहले ये 2 तक था तो अब ये ठीक है, 1.25 इंच की झूल है तो ये ठीक है, ठीक है। तो ये घुमाकर भी आपको पता लग रहा है, ठीक है ना। इसको दोबारा चेक कर लूँगा मैं, इसको इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप चेक कर सकते हैं इसको घुमाकर, ठीक है ना। कहीं से भी आप इसको चेक करें, हर दफ़ा ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको हाथ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसकी जो झूल है, इसका जो स्लैक है वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल आपने मेजरिंग टेप लेनी है, स्टील टेप लेनी है, सेंटर से आपने करनी है, ठीक है। उसको इसके जो स्लैक जो है नॉर्मल, जो इसकी आम ढील है, उसके अंदर बॉटम पे और स्टॉप पे लेके जानी है आपने, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये कितनी है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये मैक्सिमम आपकी जो है ये 2 तक नहीं जानी चाहिए। मैं इसको मज़ीद थोड़ा टाइट कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, इधर भी मैंने कस दिया तो ये ओके है। मैंने आपको वैल्यू बता दिया, ये देखें, ये ज़रा स्टील टेप रखने की, ज़रा ये स्विंग आर्म के अंदर इतना कन्वीनियंट नहीं हो रहा मुझे, तो मैं आपको वैसे ना, ये देखें, ये अब किसी भी सूरत में 2 पे नहीं जाएगी, ठीक है ना। पहले ये 2 इंच पे थी पूरी, तो ये अब 2 पे नहीं जाएगी। मैं इसको ऐसे भी देख लेता हूँ यार, आपको इस तरह बता देता हूँ यार, ये देखें, ये 2 पे रखी तो ये देखें, ठीक है। ये नीचे से 2 पे है, यू कैन सी, ये 2 पे है, और ये देखें 1.25 इंच की झूल है इसमें, इससे ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा रही। तो अब इसकी लुब्रिकेशन करूँगा मैं, इसकी लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम टू टाइम इसको लुब्रिकेट करना चाहिए, हर 500 से 600 किलोमीटर पे करना चाहिए, और एडजस्ट भी करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा किसी डस्ट वाले इलाके में, बारिशी इलाके में या कीचड़ वाले इलाके में चलाते हैं, तो इसकी लुब्रिकेशन और सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, और एडजस्टमेंट भी। तो लुब्रिकेशन के लिए जो आपको है वो 20-40 ग्रेड का ऑयल, मगर नया ऑयल इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल शुद्ध ऑयल ना इस्तेमाल कीजिए। लोग होते हैं कि आमतौर पर जो इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं उसी से करना शुरू कर देते हैं, आप ग्रीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ग्रीस से बेहतर है कि आप ऑयल इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ें बेहतर हैं अपनी जगह पे, जिसको जो पसंद है, लेकिन ऑयल मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑयल इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। 20-40 का, या फिर आप ऐसे ही ग्रेड के अंदर 80-90 का आप कर सकते हैं, ठीक है। इंजन ऑयल के ग्रेड है डिफरेंट, तो इसके ऊपर मैं फिर एक कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंजन ऑयल्स के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं लुब्रिकेट करूंगा, ठीक है। ये नया इंजन ऑयल है, तो ये अब मैं इसको लुब्रिकेट कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगा देना आपने, तो ये अब प्रॉपर हो चुका है। तो चेन आपके सामने है, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी झूल से आपको अंदाज़ा आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट है, टाइट है और साफ़ भी हो चुका है। तो इतनी सी बात ही, वीडियो बनाने में टाइम इसलिए लगा, वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है कि समझाना होता है, बताना होता है। और दैट्स ऑल आई कैन से, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड ऑलवेज रॉक विद योर राइट। यार अभी ये स्यापा उतार के चेन कवर लगानी पड़नी है।